फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जो भी स्टूडेंट नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए एक जगह मैंने सिलेबस पूरा कर रखा है इंटरनेशनल बिजनेस का। तो इंटरनेशनल बिजनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, बेसिक्स आपको पढ़ने हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, इसकी हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुआ, सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में आपको बताना है, फिर ड्राइवर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस क्या होते हैं, स्टेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस जैसे कि MNC, ट्रांसनेशनल, ये आपको बताना है, फिर इंटरनेशनल इन्वायरमेंट क्या होते हैं, इश्यूज़ क्या है, मोड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक, रीजनियोसेंट्रिक, FDI के टाइप्स, तो ये आपको बेसिक्स में पढ़ना पड़ेगा। और मैं आ जाऊँ थ्योरीज़ की तरफ, तो बेसिक्स के बाद है आपका थ्योरीज़। तो थ्योरीज़ में आपको क्या पढ़ना है, एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी पढ़नी है, उसका क्रिटिसिज्म भी पढ़ना है, डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी पढ़नी है, एच मेन की प्रोडक्टिविटी थ्योरी, आपको ऐसे ही वेरियस थ्योरी पढ़नी है, प्रोफेसर तौसीफ की क्रिटिसाइज कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी उन्होंने किया था, फिर प्रोफेसर हबर्लर की थ्योरी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्रिटिसाइज किया था, फिर FD ग्राहम की थ्योरी है, प्रोफेसर हबर्लर थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जैकॉब, ये सब JS मिल की थ्योरी है आपको पढ़ना होगा, रेसिप्रोकल डिमांड क्या होता है। तो मतलब मैं बेसिकली बता दूँ तो आपको सारी थ्योरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एडम स्मिथ की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, डेविड रिकार्डो की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, और HO थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आपकी हेक्शर ओलिन की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा। और ये बाकी सब JS मिल थ्योरी ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। मेनली एक चीज़ और आपका है यहाँ पे लियोंटिफ पैराडॉक्स, लियोंटिफ पैराडॉक्स भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद है जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे थ्योरीज़ हो गई यहाँ पे, अब उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एजेंसीज़ भी हमको पढ़ के जाना है इंटरनेशनल बिजनेस में, कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यूरोपियन यूनियन, एशियन, फिर आपको लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पढ़ना है, फ्री ट्रेड एरिया, प्रिफरेंशियल ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, मॉनेटरी यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO। उसके बाद आपको ये भी पढ़ना होगा कि वर्ल्ड बैंक के और कितने, मतलब कि उसके साथ और कौन कौन से वर्ल्ड बैंक के पार्ट हैं, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको पढ़ना है, कैसे GATT के बाद आपका GATT कौन से राउंड में आया, यूरुग्वे राउंड में आया, ये सब आपको पढ़ना है, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। और फिर GATT के बाद WTO कैसे है, WTO आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, GATT आपका एक बेसिकली एग्रीमेंट था, तो ये सब आपको पढ़ के जाना होगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एजेंसीज के बाद आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंस भी आपका, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड, ये सब बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब भी आपको पढ़ के जाना होगा। तो क्या आप देख सकते हैं एक तरीके से आपका क्या है, एक सिलेबस है आपका जो कि मैंने एक पेज में आपको बताया कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना होगा इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। होप यू लाइक द वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।